चलिए, तो हम लोग आज बात करेंगे पीएम किसान योजना के बारे में। देखेंगे अभी हाल में ये चर्चा में क्यों बनी हुई है और इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण कोई आपके तथ्य हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि हाल ही में केंद्रीय सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना के तहत 8.5 यानी कि 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि की छठी किस्त जारी की गई है। एक छठी किस्त है, याद रखिए, और इसके तहत 17,000 करोड़ रुपए की राशि है। और इससे कितने लोगों को फायदा, किसने किसानों को फायदा होगा, 8.5 करोड़ किसानों को, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान है किसानों का। और आप भी जानते हैं कि आधे से अधिक आबादी हम लोग खेती पर ही निर्भर रहते हैं। और इससे और अच्छी बात है कि अभी लॉकडाउन के चक्कर में आपने देखा है टाइम में सभी उद्योग धंधे चौपट हो चुके थे, लेकिन आपने देखा है किसानों ने हमारे लिए एक तरह से लाज रख ली, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि निर्यात आयात पूरी तरह से बंद था। अगर आपके यहाँ खाद्यान्न ना होता होता तो आप समझिए कि कितनी भयानक स्थिति बन सकती थी। जितने लोग कोरोना से नहीं मरते उससे ज्यादा आप भूख से देखते लोग की मर रहे होते। तो किसानों की मदद करना हम सबका कर्तव्य है। कहा जाता है ना कि किसान और सीमा पर जवान दो ही इंसान हैं जिनकी वजह से हम लोग आराम से सांस ले पा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहली सार्वभौमिक बुनियादी आय की योजना है जिसमें भूमिधर किसानों को लक्षित किया गया है। और इस योजना को देश भर के सभी भूमिहीन किसानों के परिवार को आय सहायता प्रदान करके किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ताकि वे कृषि और समृद्ध गतिविधियों के साथ साथ घरेलू जरूरतों के लिए भी खर्च कर सकें। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या है आखिर ये पीएम किसान योजना, तो इसे देख लेता हूं। इस योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से आप लोग जानते हैं। और इस योजना को आपने देखा है कि 1 दिसंबर 2018 को लागू किया गया था। कब? 1 दिसंबर 2018 को पीएम किसान भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। यानी कि कहने का मतलब इसमें राज्यों का कोई योगदान नहीं है, ये आपकी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। प्रारंभ में इस योजना के तहत 2 हेक्टर तक के भू स्वामित्व वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 6,000 प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जानी थी, लेकिन अब इसे सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया है। अब इसमें किसी भी किसान से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। आप जानते हैं कि इसमें हेरा फेरी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट जो भी किसान होते हैं उनके बैंकों में भेजा जाता है। किसानों को मिलने वाली यह सहायता राशि 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दी जाएगी। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि 6,000 को 3 किस्तों में दिया जाएगा, दो दो करके। इस योजना के लाभार्थी परिवार की परिभाषा में पत्नी, पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे भी शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए बजट में कुल 75,000, कितना, 75,000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान भी किया गया, जिसका लाभ देश के करीब आपके 12 करोड़ किसानों को मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित भू स्वामियों को शामिल नहीं किया गया है। कौन, किस किस के? संस्थागत भू स्वामित्व को, ऐसे भू स्वामी जो वर्तमान अथवा पूर्व में संवैधानिक पदों पर रहे हों, जिला पंचायत अध्यक्ष और उससे ऊपर के सभी प्रतिनिधियों को भी शामिल नहीं किया गया, वर्तमान और पूर्व लोक सेवकों को भी शामिल नहीं किया गया है। याद रखिए, लॉकडाउन के दौरान किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में पीएम किसान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में शामिल किया गया है था, और 28 मार्च को यह घोषणा की गई कि किसानों को जून में मिलने वाली 2,000 रुपये किस्त 2,000 रुपये की किस्त अप्रैल में ही उनके खाते में भेज दी जाएगी। इसलिए क्योंकि आप देख रहे थे कि लॉकडाउन लगा हुआ था तो किसानों को कुछ मदद हो सके इसी के लिए। अब बात करते हैं पीएम किसान योजना को लागू करने में अगर प्रमुख चुनौतियों की बात करूं तो उचित भू अभिलेखों की अनुपस्थिति में पीएम किसान योजना के सही लाभार्थियों की पहचान कर पाना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब है कि जिन्हें जरूरत है उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। इसमें पीएम किसान योजना अपने उद्देश्यों के अनुरूप सभी किसान परिवारों तक नहीं पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के अधिकांश किसानों के पास जमीन है जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। और किसान पर किए गए एक सर्वे के अनुसार सर्वे में शामिल किसानों में से केवल
21% किसानों को ही इस योजना का लाभ मिल रहा है। हरियाणा और राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश में भी यह देखने को मिला है कि कई किसान इससे छूटे हुए हैं। इस योजना की एक बड़ी समस्या इसके क्रियान्वयन में भी है। चूंकि सहायता राशि सीधे किसान के बैंक खातों में पहुंचाई जाती है, लेकिन इसकी किस्त समय पर नहीं मिलती है। इसके दो प्रमुख कारण कौन कौन से? किसान के भू अभिलेखों और उनके बैंक खातों का सही समय पर मिलान ना होना, किसानों की पहचान के लिए बैंक खातों में उनके आधार के जुड़ाव की समस्या, यानी कि आधार कार्ड का ना जुड़ा जुड़ा होना, पीएम किसान योजना की पहुंच और उसके लक्ष्य प्राप्ति में अनिश्चितता को देखते हुए इस महामारी की अवधि के दौरान योजना की प्रासंगिकता का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग पीएम किसान जो योजना है इसकी सीमाओं की बात करें, तो इस आय सहायता योजना में भूमिहीन किसानों, बटाईदार किसानों और कृषि मजदूरों को शामिल नहीं किया गया है, जिससे किसानों का एक बड़ा वर्ग इस प्रत्यक्ष नगद सहायता से बाहर है। यह योजना किसानों की समस्याओं के लिए कोई दीर्घकालिक सावधान प्रस्तुत नहीं है। यह सिर्फ कुछ समय के लिए और कुछ लोगों के लिए जीवन को थोड़ा आसान बना सकती है। यह योजना गरीब समर्थक नहीं भी है और पीएम किसान योजना के लाभार्थी पहले से भू स्वामित्व धारण करते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष आय सहायता भी मिल रही है, जबकि भूमिहीन किसान, बटाईदार किसानों और किसी मजदूरों को कोई आय सहायता नहीं मिल रही है इसके तहत। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कमियां हैं इसमें। किसानों के लिए अन्य महत्वपूर्ण आय सहायता योजनाओं की बात करें तो रायतु बंधु योजना तेलंगाना की है। यह भारत में पहली प्रत्यक्ष किसान निवेश सहायता योजना है, जिसमें सीधे नगद भुगतान किया जाता है। इस योजना की शुरुआत आपने देखा होगा कि 10 मई 2018 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सभी किसानों को शामिल किया गया जिनके पास भू स्वामित्व है, और हालांकि इस योजना में भूमिहीन या फिर बटाईदार किसानों को शामिल नहीं किया गया है आपका। यह मदद खरीफ और रबी के फसल के अनुसार दो चरणों में दी जाती है। किसानों को चेक के जरिए प्रति एकड़ 4,000 रुपये दिए जाते हैं। इसकी अधिकतम राशि 8,000 रुपये प्रति वर्ष तक हो सकती है। कहने का मतलब है कि प्रति एकड़, 1 एकड़ आपके पास जमीन है तो 4,000, और अधिक से अधिक आप फिर चाहे आपके पास 50 एकड़ हो तो 8,000 बहुत से बहुत आपको मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 4 एकड़ है तो आपको 16,000 मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता। उड़ीसा सरकार ने आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसानों को दो चरणों में 10,000 रुपये तक की आय सहायता दी जाती है। इस योजना में छोटे और बटाईदार किसानों को भी शामिल किया गया है आपका। लास्ट में हम लोग कह सकते हैं कि पीएम किसान जैसे कल्याणकारी उपायों के प्रभाव को वित्तीय सहायता के माध्यम प्राप्त किया जा सकता है, जो किसानों को उनकी दैनिक बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कह शक्ति प्रदान करती है। इसलिए किसी भी नगद हस्तांतरण योजना की प्राथमिकता को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि उस योजना के तहत हस्तांतरित की जा रही नगदी प्रभावित समुदाय को गरीबी से बाहर लाने में मदद करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। पीएम किसान जैसी प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना निश्चित रूप से एक परिवर्तनकारी योजना है। यदि इसकी किस्तों का समय पर वित्तीय सुनिश्चित किया जाता है तो इसका किसानों की स्थिति में महत्वपूर्ण प्रभाव भी हो सकता है, और सही समय पर धन हस्तांतरण सुनिश्चित करने या फिर रिसाव को रोकने हेतु भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण करते हुए आधार कार्ड के साथ बैंक खातों की श्रेणी को पूर्ण करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इससे आप सोचिए कि अगर इस तरह की योजना में थोड़ा अच्छे से अगर मदद होने लगती है तो किसान जो अभी साहूकारों पर डिपेंड होते हैं उससे भी उन्हें मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही सहायता योजना में भूमिहीन किसानों, बटाईदार किसानों और कृषि मजदूरों को शामिल किया जाए, जिससे किसानों का एक बड़ा वर्ग इस प्रत्यक्ष नगद सहायता की परिधि में शामिल कर कृषि से जुड़े इन लोगों को भी कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके, यानी कि इन लोगों की भी मदद हो सके। और ये धनराशि आप सोचिए कि बहुत कम है, 6,000 आप सोच रहे हैं साल का, यानी कि बहुत कम है, और इतना समझ सकते हैं आप लोग कि किसान के लिए कितनी जरूरतें होती हैं एक किसान की। चलिए, तो ये थे आपकी किसान पीएम किसान योजना की जो भी तथ्य थे आपके सामने। इससे भी आपके क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी पूछते रहते हैं और मेंस में भी आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ठीक है।